उधर आतंकवाद के समर्थन को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मारे गए आतंकी की याद में सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि शकील जांबाज नाम के उस आतंकी को भारतीय सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया था। भारतीय जवानों ने 4 सितंबर को उस आतंकी को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। लेकिन उस खूंखार आतंकी की याद में पीओके के कोटली इलाके में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ नजर आई। इस दौरान वहां मंच पर कई आतंकी खतरनाक हथियार भी लहराते दिखे। शकील जांबाज पीएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था, लेकिन दावा किया गया कि उसकी याद में जो सभा आयोजित की गई उसमें पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बिहार के बांका में एक अस्पताल के बोर्ड पर अंग्रेजी में नाम लिखा देख वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और बिना देरी किए अंग्रेजी के उस बोर्ड को हटाने का निर्देश दे दिया। सब बकवास करो, अंग्रेजों का राज है। नीतीश कुमार वहां उस सरकारी अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने कई दूसरी परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया, लेकिन जब वो अस्पताल का जायजा ले रहे थे तभी उनकी नजर अंग्रेजी के उस बोर्ड पर गई, जिसे देखते ही उनका गुस्सा भड़क गया। हालांकि फटकार लगाने के बाद नीतीश कुमार ने उस बोर्ड में लिखी जानकारियों को दोबारा हिंदी में लिखकर फिर से लगाने का निर्देश दे दिया।